नमस्कार, एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाने आज बिजनेस में कैसे होगा फायदा, हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा दिन, नौकरी और करियर में कैसा बीतेगा दिन, रोमांस के मामले में क्या कहते हैं आपके सितारे। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अब जानते हैं 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास भाद्रपद है, पक्ष शुक्ल पक्ष है और ऋतु शरद ऋतु है। आज त्रयोदशी तिथि रात 10:18 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज कनिष्ठा नक्षत्र सुबह 7:10 तक रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग धृति योग सुबह 7:54 तक रहेगा, इसके बाद शूल योग लग जाएगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:12 तक होगा, आज चंद्रोदय शाम 5:06 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। आज राहु काल दोपहर 12:12 से शुरू होकर दोपहर 1:44 तक रहेगा। आज प्रदोष व्रत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के राशि फल से। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि, आपके पास महान आयोजन कौशल है जो इस समय चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर सामने आते हैं। आप में सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए आपको इस गोचर का आभारी होना चाहिए। आप अभी सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप मुद्दों को जल्दी से ऐसे तरीकों से हल कर सकते हैं जिसकी दूसरों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिरकार उस कठिन विचार और प्राथमिकता का भुगतान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी समझने और सहानुभूति रखने की क्षमता सभी को प्रभावित करती है। आप पीठ पर बधाई के पात्र हैं। लव लाइफ की बात करें, बाहर निकले मुलाकात होगी। सामाजिक मेल मिलाप आज आपके लिए सफल रहेगा। आपको आज घर से दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपका पार्टनर आपके बगल में ही हो सकता है। आपको ज्यादा हांफने की जरूरत नहीं है, सामान्य रहें, आपको सफलता खुद मिलेगी। करियर की बात करते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है तो उसे दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपको अपनी पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत है तो अपने टीचर से बात करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी समस्याओं के बारे में आपको अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए। आज उलझे हुए मुद्दों पर बात करने से आपकी समस्या जरूर हल होगी। घर या गाड़ी के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए आज का दिन अच्छा है। कार खरीदने की योजना है तो आज खरीद लें, दिन अच्छा है। आपको लगेगा कि बड़ी खरीदारी से आपके जीवन स्तर में अच्छा बदलाव आया है। अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन लेना शुरू करें, पौष्टिक खाना खाएं और रोज सब्जियां फल और सैलेड भी लें। कोशिश करें कि आप अपने भोजन में ऑर्गेनिक भोजन भी शामिल करें, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। येलो कलर आज आपके लिए लकी रहेगा। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों के अनुसार दोपहर 2 से 3 के बीच का समय आपके लिए शुभ है। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। प्रिय वृषभ राशि, कन्या राशि में चंद्रमा के साथ आप काफी तार्किक और तर्कसंगत महसूस कर सकते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आदर्श संतुलन बनाना ही आने वाले सुखद दिन का रहस्य है। यदि आप अपने करियर पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं और बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो अब समय आ गया है कि आप सुधार करें। ये संभव है कि आपको अपने मित्रों और परिवार के साथ कैचअप खेलना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आप ऐसे अजनबी से मिलेंगे जो आपसे काफी दूर रहता है। इसका मतलब है कि आप आज इंटरनेट पर व्यस्त रहेंगे। आप उससे किसी दोस्त के माध्यम से मिल सकते हैं या वो आपके इलाके में घूमने आ सकता है। कुछ भी हो, आज आपके लिए खुशी का दिन है, आनंद करें। करियर की बात कर लेते हैं। आज आप किसी करियर सलाहकार से सलाह लेने की चाह रखेंगे। ये व्यक्ति आपकी करियर के संबंध में आपकी परेशानियां दूर करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप सही सलाहकार का चुनाव करें। नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज कार शोरूम में नई कार देखें और खरीद लें। आपको लग रहा होगा कि कार के बिना जिंदगी में सुख नहीं है, तो आज ये खरीदारी कर ही लीजिए, मजा आ जाएगा। आज आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको अपनी पाचन क्रिया का ध्यान रखना है। खाने पीने के वक्त आपको ध्यान रखना है। अपनी खुराक को बेहतर बनाइए। आपको चिप्स छोड़कर
फल खाने चाहिए, आपको स्नैक्स छोड़कर फ्रूट्स पर ध्यान देना है, जूस पर ध्यान देना है, इस तरह से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आज आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान समझेंगे। शाम 5 बजे से लेकर 6:30 का समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आज के लिए आपका नीला रंग शुभ रंग रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रिय मिथुन राशि के जातक। जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा तब आप अपनों के और करीब महसूस करेंगे। घर में आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा और सभी का मूड भी अच्छा रहेगा। अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। आप दोनों घर पर एक साथ समय बिता सकते हैं और मन में आने वाली किसी भी बात पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये आराम करने, जश्न मनाने और आने वाले दिनों के लिए अपनी आत्मा को फिर से ऊर्जा जवान बनाने का एक शानदार दिन होगा। अपने प्यार को लेकर निराश हो चुके लोगों को आज आशा की किरण नजर आएगी। पार्टनर का निर्धारण होने में टाइम लग सकता है, पर आज दो अकेले लोगों के बीच मुलाकात परिचय हो सकता है। निराश ना हो, लोगों से मेलजोल करें, पार्टनर मिलने की प्रबल संभावना है। करियर की बात करते हैं। आज आपकी संस्था से बाहर का कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके व्यवसाय के बारे में आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह दे सकता है। आपको उससे इस सलाह की उम्मीद भी नहीं थी, आपने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आपको इतनी अच्छी सलाह इतनी आसानी से मिल सकती है। इस फरिश्ते जैसे व्यक्ति का धन्यवाद करना ना भूलें। आज आपकी निवास स्थान बदलने की संभावना है। या तो पुराने घर को छोड़कर आप नए घर में जा सकते हैं या फ्लैट की जगह आप कोठी में जा सकते हैं। परिवर्तन के संकेत हैं, इसका आनंद लीजिए। नया परिवेश आपको अच्छा लगेगा, आप इसका भरपूर आनंद भी उठाएंगे। सेहत की बात की जाए तो अगर आप आज किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सावधान होकर जाना चाहिए। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, रास्ते में पेट से संबंधित कोई परेशानी ना आ जाए। आज आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए जो भी खाएं उस पर ध्यान दें। आपको अपने खान पान को लेकर बहुत सतर्कता आज बरतनी होगी। एस्ट्रो योगी की ज्योतिषी दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच आपको घर से बाहर ना निकलने की चेतावनी देते हैं। जब अच्छी सेहत की बात हो तो गुलाबी रंग ही पहने। थैंक यू। अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। प्रिय कर्क राशि के जातक, जैसे ही चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करता है आप तनाव महसूस कर सकते हैं। आप किसी मित्र या परिवार के सदस्य से बात करना चाह सकते हैं लेकिन आप ऐसा करने में झिझकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आपको अपने प्रियजन के साथ ईमानदार रहने और अपनी भावनाओं को वापस ना रखने की सलाह देते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि हमारे जीवन की सबसे दर्दनाक घटनाएं भी हमें आजीवन सबक दे सकती हैं। इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रिय कर्क राशि मुस्कुराना याद रखें। रोमांस की दुनिया में आज के लिए आपकी सीख यही रहेगी कि अगर आप अपने पार्टनर से प्यार पाना चाहते हैं तो आपको भी उसे देना होगा। ये एक तरफा नहीं हो सकता, आप पहले पहल करें, आपका पार्टनर खुद ही अपनी भावनाएं आपके सामने रख देगा। इससे बहुत सारे लोग आपसे मिलने की चाह रखेंगे। आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेकर दुविधा में हो सकते हैं। आज अपनी रणनीति पर फिर से विचार करें। अच्छा होगा कि आप किसी सलाहकार की सलाह लें। अब तक जो काम रुके पड़े थे वो आपके उच्च अधिकारी की सहायता से सब धीरे धीरे पूरे होना शुरू हो जाएंगे। आज आपका अपने घर की मरम्मत या इससे बड़ा घर लेने की सोच दिमाग में आ सकती है। खुद के रहने के लिए नहीं तो कम से कम निवेश के ख्याल से आप नई संपत्ति खरीदने के बारे में सोचेंगे। अपने बच्चों या अपने अभिभावक के कमरों को बड़ा करवाने का भी आपका मन बन सकता है। आज मनचाही संपत्ति मिलने के संकेत हैं। सेहत की बात की जाए तो शराब से दूर रहें, यह आपकी सेहत खराब कर सकती है। अपने खान पान पर ध्यान दें ताकि आप बीमार ना पड़े। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स ही आप लें। आपका शुभ समय शाम 5:15 से 6:30 के बीच का रहेगा। ऑरेंज आज आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। कुंभ राशि में चंद्रमा की चाल की वजह से आपको लग सकता है कि आपका जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। प्रिय सिंह राशि,
कुछ मुद्दों की वजह से हाल ही में आपको कुछ तनाव हो गया था, लेकिन आज चीजें थोड़ी बिगड़ सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दिन का आज आप उपयोग करें, अपने प्रियजनों के साथ कुछ पल बिताएं और अपने मन और शरीर को चिंता रहित करें। आज आप आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। लव लाइफ आज आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। आपको कई अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपको इन प्रस्तावों के बीच में चुनाव करने में कठिनाई की नौबत आ सकती है। पहले आपको ये कठिनाई भी अच्छी लगती थी, पर आज आप किसी को नहीं चुनना चाहते। कूटनीतिक रास्ता अपनाएं और इस नौबत से बाहर निकलें। करियर की बात की जाए तो आज आप अपने भविष्य को लेकर कुछ उलझन में रहेंगे और किसी सलाहकार की सलाह लेना चाहेंगे। इस व्यक्ति से पूरी तरह खुलकर बात करें, उसे ये बात पूरी तरह से बताएं कि आपकी उलझन क्या है और आप उससे किस तरह की मदद चाहते हैं। आज अगर नई कार खरीदना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। योग बहुत अच्छे हैं। हालांकि आपको लगेगा पुरानी कार को बेचने में दिक्कत आ रही है, फिर भी नई कार खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है। सेहत की बात करते हैं, मदिरा पान से दूर रहें। हो सकता है आज आपको मानसिक तनाव रहे, इसलिए शराब के बारे में ना सोचें, घर पर ही रहकर आराम करें और खुद को बुरी आदतों का शिकार ना होने दें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए शाम 4 से 5 का समय शुभ है। आज के दिन आपका पीला रंग शुभ रहेगा। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, एस्ट्रो योगी ज्योतिषी का मानना है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि में चंद्रमा आपको हर प्रकार से सफलता देगा। जो भी आप काम करना चाहते हैं उन सभी काम में आपको केवल उन चीजों को पहचानने की आवश्यकता है, और जो आपकी इच्छा है या आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आज के दिन आप नई कार या किसी भी प्रकार की अन्य संपत्ति खरीद सकते हैं। जिसकी इच्छा अपने मन में आपने काफी टाइम से रखी हुई थी वो आप कर सकते हैं पूरी। इस दौरान आपने जितनी भी मेहनत की है उसका आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। आज आपकी किसी अजनबी से डेटिंग की संभावना है। आज डिनर डेट तो हो ही जाएगी। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखें। ये रिश्ता शादी का रूप ले सकता है। करियर की बात करते हैं। अगर आपको अपने करियर को लेकर कोई उलझन है तो उसको सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आज उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने अपने करियर में बहुत सफलता प्राप्त की है। उनसे आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो उस स्थान तक कैसे पहुंचे हैं। उनके द्वारा किए गए चुनावों और गलतियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि किराए के घर में रह रहे हैं तो आज अपने सपनों का घर खरीदने के लिए खोजबीन शुरू कर दें। इस दिशा में आज की गई कोशिश आगे आपको अच्छे नतीजे देगी। आप पाएंगे कि जैसा घर ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल सकता है। आज बहुत अच्छे योग हैं। कोशिश करें कि आज आप अपनी सेहत का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखें। चिकन से दूर रहें, मीट से दूर रहें। अगर आप असंतुलित खाना खाने की आदत सुधार लेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग क्रीम कलर रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच का समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। धन्यवाद। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। प्रिय तुला राशि के जातक, चंद्रमा के कुंभ राशि में विराजमान होने के कारण आज का दिन धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। अनअपेक्षित बोनस, लाभ या लंबे समय से चले आ रहे निवेश के साकार होने की संभावना है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए, उनके अच्छे काम के लिए उनके वरिष्ठ उनकी सराहना करेंगे। बोनस मिलने के योग हैं। चंद्रमा की ये स्थिति आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आज आपको निर्णयों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और सोच समझ कर अपने निर्णय लेने चाहिए। रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर आप रिश्ते की खोज में हैं तो छोटी सी मात्रा आज आपके जीवन में राहत लेकर आएगी। आज आप किसी नए पार्टनर से मिल सकते हैं। आप पारिवारिक व्यक्तियों या दोस्तों के बीच उससे मिल सकते हैं। आप दोनों की डेटिंग की शुरुआत हो सकती है। करियर की बात करते हैं। अगर हो सके तो अपनी समस्या सुलझाने के लिए अपने सहकर्मियों की मदद लें। समय पर की गई उनकी मदद से आपको फायदा होगा। आपको कुछ और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं क्योंकि आपका बॉस चाहता है कि आप थोड़ा और सहयोग दें। अपने करियर के लिए आपको ये जिम्मेदारियां स्वीकार कर लेनी चाहिए। इससे आपको लंबे समय में बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप किराए के घर में हैं
तो घर खरीदने के लिए आज विज्ञापन देखना शुरू कर दीजिए। आपके लिए किस तरह का घर उपलब्ध है जरूर देखिए, आपको लगेगा कि इसका भविष्य में अच्छा फायदा मिल रहा है, इसलिए अखबार उठाइए और विज्ञापन देखने शुरू कर दीजिए। सेहत की बात करते हैं, आज पूरे दिन आपकी सेहत ठीक रहेगी। ध्यान रहे कि अगर आप खुद को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं तो जंक फूड खाने की आदत को छोड़ दीजिए। शुभ समय आपका 11:45 से दोपहर को 1:30 तक का है। इस दिन का शुभ रंग नीलम है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक, कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपके पास कोई अच्छी खबर आ सकती है। अगर आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको विदेश में नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है जिसका आप सपना देख रहे थे। आपको छात्रवृत्ति भी मिल सकती है, आपके पास मेल आ सकती है आज, जो ये गुड न्यूज लेकर आएगी। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आप रंगीले मूड में होंगे और आपकी किसी आसपास के व्यक्ति से मुलाकात होगी। हल्का फुल्का रोमांस करना हानिकारक नहीं है, पर इसको लेकर गंभीर ना हो। अकेले व्यक्ति के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। अगर बात आगे बढ़ती दिख रही है तो उसे आप दिल पर ना लें और यथार्थवादी बने। करियर की बात करते हैं, आज शायद आप किसी ऐसे प्रोफेशनल से मिलेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, इसलिए आपको उनकी सलाह को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। साथ ही अपने व्यवसायिक ज्ञान को भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी सलाह और व्यवसायिक ज्ञान दोनों से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। आज आप घर खरीदने के फैसला भी कर सकते हैं, बहुत दिनों से इसकी आप सोच रहे हैं, आज वो घड़ी आ चुकी है। हालांकि ठीक से देख सुन लें ताकि आपका मनचाहा घर आपको मिल सके। सही सोच और दिशा के साथ आगे बढ़ें, काम बन जाएगा। मुबारक हो। सेहत की बात करते हैं, वो समय आ गया है जब आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। आपके तारे आपको असंतुलित खाने से बचा रहे हैं, इसलिए इस ऊर्जा का प्रयोग करके लाभ उठाएं। इस पल को खुशी से जिएं और जिंदगी का आनंद लें। दोपहर 1:30 से शाम 4 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। क्रिम्सन रेड कलर आपके लिए बहुत लकी रहेगा आज। थैंक यू। अगली राशि धनु राशि। एस्ट्रो योगी के अनुसार आज हर पहलू पर आपको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि में है। इसी के साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए नए नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इस सकारात्मक समय का लाभ उठाने का बहुत ही अच्छा समय है, इसलिए इस समय का लाभ उठाएं और अपने करियर को आगे बढ़ाने के प्रयास करें। इसके जरिए आपके व्यवसाय में भी अच्छा लाभ होगा। इसी के साथ अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। समय आपके अनुकूल है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आपकी किसी व्यक्ति से रोमांटिक रिश्ते के बनने की प्रबल संभावना है। ये आकस्मिक मुलाकात आपके लिए यादगार साबित हो सकती है। अकेले व्यक्ति आज के अपने रोमांस जीवन के प्रति पूर्ण आशावादी रहें। आज आपका दिन बहुत अच्छा है। करियर की बात करते हैं, आज आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से मिल सकते हैं जो आपको आगे ले जाने में बहुत हेल्प करेगा, प्रोत्साहित करेगा। बहुत अच्छे संकेत हैं कि सफलता की राह पर आप आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए ये आपके हित में है कि आप इस अवसर को हाथ से ना जाने दें और इससे कुछ सीख लें और लाभ उठाएं। आज नया घर खरीदने का इरादा बन सकता है। पुराने घर को भी सजाएं संवारें ताकि कुछ बदलाव का एहसास हो सके। तो देर क्या, काम शुरू कर दीजिए, घर अच्छा दिखेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशी के लिए वास्तु के नियमों को अपनाएं। अब बात करते हैं आपके सेहत की। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें खाना बहुत पसंद है, तो आज वो दिन है जब आप नई चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं। आज आप भाग्यवान हैं, आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, इसलिए आज आप कुछ भी खाकर मजे लूट सकते हैं। आज के लिए बैंगनी कलर आपके लिए शुभ रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 12:30 से दोपहर 2:15 तक का समय आपके लिए शुभ समय है। धन्यवाद। अब बारी आती है मकर राशि वालों की। तो प्रिय मकर राशि के जातकों, पारिवारिक संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको घर में तनाव और चिंतित महसूस करा सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच
कुछ असहमति रहेगी। सावधान रहें, यदि कोई प्रिय व्यक्ति विशेष रूप से खराब मूड में है तो स्पष्ट रहें। विनम्रता से आज सभी अनावश्यक टकरावों से बचना चाहिए। आने वाले दिन खुशियों को लेकर आएंगे, आप खुश रहेंगे। रिलेशनशिप की बात करते हैं। आज आपको रोमांस पार्टनर मिलने की पूरी संभावना है। पिछले दिनों प्यार की खोज में आपको निराशा हाथ लगी, पर आज आशा की किरण फिर से दिखेगी। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। कुछ समय के लिए रिश्ते बनाने की बजाय कुछ बात आगे बढ़ाने की कोशिश करें। करियर की बात करते हैं। आज आप अपने कार्यस्थल पर अपने काम से संबंधित किसी समस्या को लेकर किसी सलाहकार या फिर किसी उच्च अधिकारी से सलाह लेना चाहेंगे। आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन शायद इससे आपको कोई मदद ना मिल सके। आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक दो दिन और इंतजार करें, जब तक कि सलाह के लिए आपको सही व्यक्ति ना मिले। नया घर या नई कार खरीदने का आपका मन बन रहा है। कर्ज के लिए आवेदन देने का आज अच्छा दिन है। आज कार खरीद लेने के लिए भी अच्छा दिन है। सितारे आपके पक्ष में हैं। सेहत की बात करें, आज आप नई चीजों का आविष्कार करने में दिलचस्पी रखेंगे। आपकी सेहत आज अच्छी रहेगी। आज रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ अलग बनाएंगे, जिससे आप बेहद पसंद करते हैं। आज आपको सावधान भी रहना चाहिए। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा से निपटने के लिए सफेद रंग का यूज आज आपको करना चाहिए। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमा की कुंभ पर उपस्थिति के साथ आज का दिन आपके लिए काफी सामंजस्य और आनंद लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों के काम पर व्यस्त दिनों के बाद आज आराम करने के लिए चीजें खोजें। आज आपका अपनों के साथ समय बिताने का मन करेगा, इसलिए इन खास पलों का फायदा उठाएं। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों के अनुसार आप उस समय की भरपाई करने का प्रयास करें जब आपको काम के लिए अपने परिवार को एक तरफ रखना पड़ा है। रिलेशनशिप की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो आज आपकी किसी अति आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात की प्रबल संभावना है। संभव है कि आप उससे कार्यस्थल पर मिलें। ये मुलाकात आपके लिए बहुत रोचक साबित होगी। कार्यस्थल से बाहर निकलने तक रोमांस को ज्यादा तूल देने से बचें। करियर की बात करते हैं। आज शायद आप अपनी संस्था के उच्च अधिकारी या फिर किसी दोस्त से बेकार की बहस में पड़ जाएंगे। गलत लोगों के साथ कहीं आप कोई भी गलती ना कर बैठे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अपने वर्कप्लेस पे। नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। यदि आपने अपने लिए घर का चुनाव नहीं किया है तो आप इसकी शुरुआत कर दीजिए। इससे कई अच्छे विकल्प सामने होंगे और चुनाव में आसानी होगी। हेल्थ की बात कर लेते हैं। आज आप स्वादिष्ट और स्वच्छ खाना पसंद करेंगे। आज खूब मस्ती करें, क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते। आज आपको स्वादिष्ट भोजन करने में बहुत मजा आएगा, मगर इसके साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आप उतनी ही कैलोरीज अपने बॉडी में लीजिए जितनी कि आपको लगता है कि एक्सरसाइज के जरिए निकाली जा सकती है। सुबह 9:20 से 11 तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। नीला रंग आज आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। अब बारी है आखिरी राशि मीन राशि की। प्रिय मीन राशि, चंद्रमा की कुंभ पर उपस्थिति से आज आप आत्मनिरीक्षण की ओर जा रहे हैं। आज का दिन आपके लिए उन चीजों को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करने का दिन होगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आपको अपने परिवार, अपने रिश्ते और अपने काम के बीच संतुलन ढूंढना होगा। कई बार आपने देखा होगा कि एक या एक से अधिक पहलू दूसरे पर बहुत अधिक ध्यान देने के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इन मुद्दों पर आप अभी जो सोच रहे हैं और जो योजना बना रहे हैं, उससे न केवल आपको खुशी मिलेगी बल्कि मन की शांति भी मिलेगी। लव लाइफ की बात करते हैं। आज आपको एक खास मौका हाथ मिलेगा। आप बाहर घूमने जा सकते हैं, नए व्यक्ति से मिलिए और आज के दिन का आनंद लीजिए। प्रभाव बनाने के लिए सज धज कर निकलिए। सावधान रहें, आप किसी ऐसे आकर्षण का केंद्र ना बने जो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। ये आपकी ज़िंदगी का अपना पार्टनर भी हो सकता है। कुल मिलाकर आपका दिन आज मस्ती और खुशी से भरपूर रहेगा। आनंद करें। अब बात करते हैं आपके करियर की। आज तनाव के संकेत हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप बेकार की लड़ाई झगड़े को अवॉइड करिए। प्रतियोगिता शायद आपको थोड़ा परेशान कर दे। बेकार में अपनी मानसिक शांति को भंग ना करें। अपने तनाव को कम करने की कोशिश करें और अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। शांति बनाए रखें।
अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आज आप ये तय कर लें कि आपका आर्थिक निर्णय आपके व्यवसाय भागीदार के मेल जोल से ही हो। इससे आपकी शक्ति एवं बुद्धिमत्ता का अच्छा यूज हो पाएगा। आज आपको अपने भोजन का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। इस समय आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा मूड, ऊर्जा और पाचन क्रिया सभी हमारे खाने पर निर्भर करते हैं। इसलिए शरीर को हमेशा ठीक भोजन देना चाहिए। हमें अपने शरीर की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों को बराबर पूरी करना चाहिए। सही और पौष्टिक भोजन देकर आप शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और मन में उच्च विचार रखने से मानसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शाम 5 से 6 का समय शुभ बताते हैं। आज के दिन के लिए गुलाबी रंग आपका शुभ रंग रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित हैं। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी ले सकते हैं फ्री कंसल्टेशन। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या फिर लॉग इन कर लीजिए astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें और स्वस्थ रहें। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।